हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरिन क्लासेस। आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके पहले मैंने 3-4 वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक कवर किया है, जिसमें सेक्शन 1 से 30 तक मैंने आप लोगों को हर एक सेक्शन एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो जिन लोगों ने पहले वो वीडियोस चेक नहीं किया है, पहले वो देख लिए, उसके बाद ही बाकी के वीडियोस देखना शुरू करें सीक्वेंस में। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होगी और आप लोगों को समझ में भी आएगा कि ओवरऑल शुरू से लेकर अंत तक चीजें हो क्या रही है इस एक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज सेक्शन 31 से देखना स्टार्ट करेंगे। और इसको शुरू करने से पहले एक आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल का नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दे, ताकि जो उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको पता चलेगा कब मैं नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए इस चैनल पर, और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से होती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आने वाले 1-2 वीडियोस में ही इस एक्ट को पूरे की तरीके से कंप्लीट कर दूं, अच्छे से सारी चीजों को डील करते हुए, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और ये एक्ट जल्द से जल्द खत्म भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 31। तो सेक्शन 31 बात करता है ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर के बारे में, ठीक है। ये ड्यूटी है सेलर का कि वो गुड्स जो है वो डिलीवर करे बायर को, और बायर का ये ड्यूटी होता है कि जब भी उसके पास गुड्स आ जाए वो उसका पेमेंट कर दे, ठीक है। जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस भी कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, उसके अकॉर्डिंग दोनों जो है बायर और सेलर अपने अपने ड्यूटीज को निभाएंगे। तो सेलर का ड्यूटी है कि वो गुड्स का डिलीवरी करे और बायर की ड्यूटी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे और उसके लिए पेमेंट कर दे। ये है सेक्शन 31 ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। सेक्शन 32 बात करता है पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशंस। पेमेंट और डिलीवरी जो है आपस में कॉन्करेंट है, कैसे देखिए। जब तक कि कोई दूसरे तरीके से कुछ अलग स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई ना किया जाए, एग्री नहीं हो, तब तक क्या होता है, देखिए, डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट, ठीक है, एक दूसरे से। दैट इज टू से द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन। सेलर जो है वो रेडी रहेगा कि वो अपना सामान का जो पोजेशन है वो दे दे बायर को गुड्स का, इन एक्सचेंज फॉर द प्राइस। प्राइस के एक्सचेंज में जब जो प्राइस उसको मिलेगा उसके एक्सचेंज में जो है वो सामान की पोजेशन बायर को दे दे, और जो बायर है शैल बी रेडी एंड विलिंग टू पे द प्राइस इन एक्सचेंज फॉर पोजेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है। जब भी उसके पास पोजेशन आ जाएगा बायर के पास, वो उसके पेमेंट को कंप्लीट कर देगा। तो ये आपस में जो डिलीवरी और पेमेंट है वो कंकरेंट कंडीशंस है सेल का, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, ठीक है। सेक्शन 33 बात करता है डिलीवरी के बारे में। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टी इज एग्री, ठीक है। जो भी पार्टी इज एग्री करेगा कि किस तरह से डिलीवरी करना है सामान का, उस तरह से डिलीवरी होगी। और विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजिशन ऑफ द बायर, जिसका कि इफेक्ट ये होगा कि गुड्स का जो पोजिशन है वो बायर को मिलेगा, और ऑफ एनी पर्सन, और बायर इसके अलावा खुद के अलावा किसी और को अगर ऑथराइज करके रखता है अपना, तो उसको पोजिशन मिलेगा उसका, ठीक है। ये हो गया डिलीवरी का नियम कि यहाँ से सेलर से जाएगा बायर के पास, और बायर अगर किसी और को अथॉरिटी दे के रखता है तो जिसको अथॉरिटी देगा सेलर जो है सामान अपना उस दूसरे इंसान को, उसको उस ऑथराइज्ड इंसान के पास पहुंचाएगा, ठीक है। सेक्शन 34 बात करता है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। सपोज कोई भी सामान का डिलीवरी होना है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसा भी होता है ना कि पार्ट्स में डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स, ठीक है। जिस तरह से पूरा गुड्स को डिलीवर करने का जो प्रोसेस है, पार्ट डिलीवरी का भी सेम प्रोसेस है, उसमें भी ये माना जाएगा कि हाँ डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। एज अ डिलीवरी ऑफ द होल, बट इसमें एक बट है, बट ए डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विथ एन इंटेंशन ऑफ सर्विंग सेवरिंग इट फ्रॉम द होल। लेकिन अगर सपोज कोई पार्ट को हम लोग सिर्फ इस सपोज मैं सेलर हूं और मैं ये डिलीवरी कर रही हूँ कोई सामान का, उसको जिसको सेवर करके, मतलब अलग करके
पूरे होल में से, पूरे होल जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, पूरा जितना का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये 3 4 सामान सबको मिला के पहुंचाना है, उसमें से अगर सिर्फ एक सामान पहुंचाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, पूरा नहीं पहुंचाया जा रहा है। वैसा इंटेंशन के साथ अगर डिलीवरी की जाएगी तो उसको दैट डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। उसका ये मतलब नहीं होगा कि पूरा ही रिमाइंडर भी जितना है उसका भी डिलीवरी हो चुका है। इसका एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। सपोज किसी ने ऑर्डर किया है किसी इंसान को, सपोज मैंने आप लोगों को ऑर्डर किया है कि आप लोगों को फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिया है कि आपको वो सारा सामान मुझे पहुंचाना है, ठीक है, फेस्टिव सीजन आ रहा है इस वजह से मैंने आप लोगों को फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स मंगवाया है। आप लोगों ने क्या किया है आपने कि आपने सिर्फ मुझे फ्रूट्स पहुंचाए हैं, ड्राई फ्रूट्स पहुंचाए ही नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपने डिलीवरी तो की है, वो सारा कुछ फॉलो किया है कंडीशंस को, लेकिन आपने सिर्फ फ्रूट्स पहुंचाया, ड्राई फ्रूट्स नहीं पहुंचाया। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जब मेरे पास आया सामान, मैंने एक्सेप्ट किया, तो वो सारा ही सामान इंक्लूडेड नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि फ्रूट्स मैंने एक्सेप्ट किया यानी ड्राई फ्रूट्स भी आ चुका है, ऐसा नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ये हो गया पार्ट डिलीवरी का इफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 35 का, दैट इज बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। बायर को जो है वो अप्लाई करना होगा डिलीवरी के लिए, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि कोई दूसरा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। जब तक बायर अप्लाई नहीं करेगा डिलीवरी के लिए, तब तक सेलर जो है वो बाउंड नहीं होगा डिलीवर करने के लिए, ठीक है, उसको रिक्वेस्ट करना होगा डिलीवरी करने के लिए। अब आता है सेक्शन 36, ध्यान से सुनिए, जिसमें कि रूल्स ऑफ डिलीवरी के बारे में बताया गया है, क्या क्या रूल्स फॉलो करनी होंगी, ठीक है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल का, ठीक है, द बायर टू टेक पोजिशन ऑफ द गुड्स और फॉर द सेलर टू सेंड देम टू द बायर, ठीक है, कब बायर जो है वो रिसीव करेगा पोजिशन अपना लेगा, कब जो है सेलर ट्रांसफर करेगा सेंड करेगा, वो डिपेंड करता है हर एक केस में, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना है, कैसा सिचुएशन है, सरकमस्टांस है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना है बिटवीन द पार्टीज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। जहाँ पे, इसके अलावा क्या होगा, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना है, वहीं पे डिलीवर होगा यहाँ पे, या फिर जहाँ पे गुड्स डिलीवर करने के लिए बायर बोलेगा वहां पे भी कर सकते हैं, जिस टाइम पे करना है वो टाइम फॉलो करना है, और इसमें से कुछ भी इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस। इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर जहां पे, जहां से प्रोड्यूस हुआ है या मैन्युफैक्चर हुआ है, वहां पे ये डिलीवरी करनी होती है। सेकेंड पॉइंट बात करता है, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, ये तो है, बट नो टाइम फॉर सेंडिंग देम इज फिक्स। जहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं किया गया है कि इतने टाइम के अंदर ही जो है सामान पहुंचा देना है, तो सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद इन अ रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम में सेंड करना है। थर्ड पॉइंट बताता है, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजिशन ऑफ ए थर्ड पर्सन, जब थर्ड पर्सन के पोजिशन में हो, देयर इज नो डिलीवरी बाई सेलर टू बायर अनलेस एंड अंटिल सच थर्ड पर्सन एक्नोलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। तब तक नहीं होगा जब तक वो एक्नोलेज, वो थर्ड पर्सन जो है वो एक्नोलेज नहीं करेगा बायर को कि उसने होल्ड किया हुआ है गुड्स बायर के बिहाफ में, ठीक है, अनटिल सच थर्ड पर्सन एक्नोलेजेस टू द बायर, बायर को एक्नोलेज करना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। ये सारी चीजें से कुछ भी डॉक्यूमेंट जो भी टाइटल ऑफ गुड्स का होगा उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं क्रिएट होगा कि कहाँ डिलीवरी करना है, रूल्स ऑफ डिलीवरी फॉलो हो रहा है या नहीं, तो उससे कुछ भी जो है वो मैटर नहीं करेगा, कोई भी इसके साथ इफेक्ट नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का क्या गुड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का क्या लेना देना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी मे बी ट्रीटेड एज इनएफेक्चुअल। उसको इनएफेक्चुअल मानेंगे डिमांड को या टेंडर ऑफ डिलीवरी को, अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आवर, जिस जब तक कि वो रीजनेबल आवर में ना बनाया जाए उसको इनएफेक्चुअल मानेंगे। अब बात आता है कि रीजनेबल आवर का और क्या होता है, तो रीजनेबल आवर जो है इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, हर सिचुएशन में क्या रीजनेबल आवर होगा, कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, वो डिपेंड करेगा हर एक सिचुएशन पे, हर एक केस पर। और फिफ्थ पॉइंट रूल्स ऑफ डिलीवरी का है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड द एक्सपेंस ऑफ एन इंसिडेंटल टू
पुटिंग द गुड्स इंटू डिलीवरेबल स्टेट शैल बी बॉर्न बाय द सेलर, जो भी एक्सपेंस होगा वो सारा कुछ सेलर उठाएगा, ठीक है, डिलीवरी करने के लिए। सेक्शन 36 क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 37 के बारे में। सेक्शन 37 बात करता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर गलत क्वांटिटी में सामान आ जाए तो क्या होगा। अगर सामान जो है वो जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे कम आता है तो बायर में रिजेक्ट दें, बायर उसको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन बायर अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है उस गुड्स को तो उसको कॉन्ट्रैक्ट रेट में उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट ये बताता है। सेकंड पॉइंट 37 सेक्शन का ये बताता है अगर उससे ज्यादा आ गया, पहले में मैंने कम कहा था, कम के बारे में डिस्कस किया था, सेकंड में है कि अगर जितना कॉन्ट्रैक्चुअल है उससे अगर ज्यादा अमाउंट में आ जाता है तो क्या होगा, तो वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है पूरा को या फिर एक्सेप्ट कर सकता है इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जितना का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उतना को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है रेस्ट को, और ही में रिजेक्ट द होल या फिर पूरा को ही रिजेक्ट कर सकता है। इफ द बायर एक्सेप्ट द होल, अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको पूरे का प्राइस देना होगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट बताता है वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्ट टू सेल मिक्स विद द गुड्स ऑफ ए डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो सामान मंगाया था उसका डिस्क्रिप्शन, जो क्वालिटी के सामान को मंगाया गया था उसके साथ दूसरा क्वालिटी अगर मिक्स हो जाता है तो फिर क्या होगा, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स विच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस गुड्स, उस क्वालिटी के गुड्स को एक्सेप्ट करेगा, जो बाकी नहीं हुआ था उसको रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट द रेस्ट और मे रिजेक्ट द होल या फिर रिजेक्ट कर सकता है पूरा को ही। और फोर्थ पॉइंट बताता है द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू एनी यूसेज ऑफ ट्रेड, ये डिपेंड करे किसी भी यूसेज ऑफ ट्रेड में, या अलाउड मतलब ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी, स्पेशल एग्रीमेंट हो भी या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, कैसा कोर्स ऑफ डीलिंग है पार्टीज के बिटवीन में, बायर और सेलर के बीच में, सारे ही केसेस में जो है ये सब सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो किसी भी यूसेज ऑफ ट्रेड में जो भी कैसा भी चलता हो या फिर कोई स्पेशल एग्रीमेंट अगर बताया जाता है तो सारे चीज में ही ये सभी एप्लीकेबल होंगी। सेक्शन 38 बात करता है, अब सेक्शन 37 कंप्लीट हो गया, 38 बात करता है अनलेस अदरवाइज एग्री द बायर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी देयर ऑफ बाय इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में ये ना लिखा हुआ कि इंस्टॉलमेंट में ही सामान आएगा तो तब तक जो है बायर डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में नहीं लेगा, ठीक है, सामान का। फर्स्ट पॉइंट ये बताता है 38 सेक्शन का। सेकेंड पॉइंट बताता है वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड बाय स्टेटेड इंस्टॉलमेंट्स, तो उसको सेपरेटली पे करना होगा, ठीक है। इट इज अ क्वेश्चन इन ईच केस डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि वो कैसे करेगा, वो इसको अलाउ करेगा कि रिफ्यूज कर देगा, निग्लेक्ट करेगा, ठीक है, उसको डिलीवरी लेने में, तो वो डिपेंड करेगा हर एक सिचुएशन में, वेदर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिपुडिएशन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट और वेदर इट इज अ सेवरेबल ब्रीच गिविंग राइज टू अ क्लेम फॉर कंपेंसेशन, ऐसा अगर चाहे वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिपुडिएशन होता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ही या फिर सेवरेबल है कि वो जो प्रॉब्लम हुआ है जो इंस्टॉलमेंट में आया है उसकी वजह से उसको क्लेम किया जा सके कंपेंसेशन का, बट नॉट अ राइट टू ट्रीट द होल कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड, लेकिन जस्ट बिकॉज कि इंस्टॉलमेंट में आया है इसका ये मतलब नहीं है कि इस पॉइंट पर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही रिपुडिएट कर दिया जाए, ठीक है। ये बात है सेक्शन 38 का जिसमें कि इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज के बारे में बात की गई है। और इसके बाद हम लोग सेक्शन 39 में आते हैं, तो सेक्शन 39 बात करता है डिलीवरी टू कैरियर और वार फिंगर के बारे में, तो ये थोड़ा सा लेंथी सेक्शन है, इसको अच्छे से समझना होगा, और आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो मांगी तो सेक्शन 39 से बाकी का जो सेक्शन है 44 तक वो हम लोग एक छोटा सा वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और सेक्शन सॉरी चैप्टर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है आपको इस तरह की वीडियो से तो एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे लिख के बताएं किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी पॉइंट तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।